नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्वत्र विभाषा गो। सूत्र संख्या है 6.1.122, जिसकी वृत्ति है लोके वेदे चे इंगंतस्य गोरति वा प्रकृति भावे पदान्ते है। तो जानते हैं साथियों, सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो, सूत्र संख्या है 6.1.122, 6.1.122। वृत्ति है लोके वेदे चैंगान्तस्य लोके वेदे चैंगान्तस्य गोरति वा प्रकृति भावे पदान्ते। गोरति वा प्रकृति भावे पदान्ते। ये सूत्र क्या कहता है कि सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह, लोक में और वेद में, अर्थात लौकिक संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में, सर्वत्र, सर्वत्र का सब सब जगह, लौकिक संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में, विभाषा विकल्प से, विकल्प से गो जो एंगंत है, गो एंगंत है, ये क्या होगा? इसका प्रकृति भाव हो जाएगा। कब होगा? जब गो के बाद में अति हो। अति का मतलब ए हो। तो जानते हैं साथियों, मैंने लिखा एंगंत, इंगंतस्य, या केवल इंग लिखिए, इंग। इंग क्या हुआ? जैसे यहां पर गो के विषय मिलेंगे तो ओ है इधर, और इधर अत हो, अत की अनुवृत्ति एक बदांतस्य, तो यहां पर अत की अनुवृत्ति आई है, तो ओ के बाद में अत हो। अतो का मतलब ऋष्वे ए हो, ऋष्वे ए हो। तो यहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि का मतलब वहां पर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, लौकिक संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में यदि पद का अंतिम पदांत, अर्थात पद के अंत में एंग हो, गो हो, अर्थात गो हो, गे में ओ हो, और इसके बाद में अत हो, रिश्व ए हो, तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है विकल्प से। विकल्प से प्रकृति भाव संधि होती है। तो देखिए, यहां पर सर्वत्र का मतलब सब जगह, लौकिक संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में, विभाषा विकल्प से एंग अर्थात गो के बाद में अत हो, यहां पर गो ही लिख देता हूं, इसके बाद में अत हो, तो यहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि होती है। तो देखिए, लिख रहा हूं गो और फिर धन अग्रम, ये संधि है, गो धन अग्रम। तो यहां पर
हम संधि करेंगे इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार विकल्प से, तो क्या होगी यहां पर गो और संधि क्या होगी अग्रम, इस प्रकार से संधि प्राप्त होगी गो अग्रम, गो अग्रम। लेकिन यहां पर दूसरी संधि भी प्राप्त हो रही है कि इंग के बाद में यदि अच होता है तो यहां पर अव आदेश होता है एचो आई वाया वे, सूत्र से यहां पर अव आदेश होता है। दूसरी संधि कौन सी होती है यहां पर पूर्वरूप संधि, एंग के बाद में यदि रिश्व ए हो तो यहां पर पूर्वरूप संधि होती है, पूर्व एकादेश हो जाता है यहां पर। तो दोनों संधियों का बाधक क्या है सर्वत्र विभाषा गो, लौकिक संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में विकल्प से यदि शब्द का अंतिम वर्ण एक हो और उसके बाद में अत हो अर्थात रिश्व ए हो तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और उसको प्रकृति भाव संधि कहा जाता है। इसको विवरणात्मक दृष्टि से अगले वीडियो में जानेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।